अवैध तरीके से भारत आने वाली अमेरिका नागरिक फरीदा मलिक अल्मोड़ा जेल से रिहा। अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने के जुर्म में सजा काट रही पाक मूल की अमेरिकी नागरिक फरीदा मलिक को जेल से रिहा कर दिया गया है। शुक्रवार को बनवासा पुलिस उसे लेने अल्मोड़ा जेल पहुंची। दो दिन बाद उसे वैधानिक कार्रवाई के बाद दिल्ली से अमेरिका भेज दिया जाएगा। बनवासा इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर 12 जुलाई 2019 को नेपाल से गलत तरीके से भारत में प्रवेश करने के जुर्म में पाक मूल की अमेरिकी नागरिक फरीदा मलिक को पकड़ा गया था। वह काठमांडू से नेपाली यात्री बस में सवार होकर बनवासा के रास्ते दिल्ली जाने का प्रयास कर रही थी। इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर पता चला कि उसके नाम का पासपोर्ट तो बना था, किंतु पासपोर्ट पर भारत का वीजा नहीं था। इमिग्रेशन चेक पोस्ट अधिकारी इंद्र सिंह ने बताया कि वीजा के बगैर नेपाल से भारत में प्रवेश बनवासा पुलिस के सुपुर्द किया गया था। पुलिस ने फरीदा के खिलाफ 3 पासपोर्ट होने और 14 विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उसे जेल भेज दिया गया था। कुछ समय पहले न्यायालय ने उसे जमानत पर छोड़ दिया था। तारीखों पर उपस्थित न होने पर न्यायालय ने उसका वारंट भी निकाला था। बाद में उसे गिरफ्तार कर फिर जेल भेज दिया था। अविनाश वर्मा ने बताया कि सजा पूरी होने के बाद शुक्रवार को उसे रिहाई मिल गई है। शारदा बैराज चौकी प्रभारी SI कोविड बिस्ट ने बताया कि उक्त महिला को रिहा कर दिया गया है। शनिवार को उसका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद उसे दिल्ली ले जाया जाएगा। इमिग्रेशन चेक पोस्ट अधिकारी इंद्र सिंह ने बताया कि उक्त महिला को 2 दिन बाद वैधानिक उद्वासन कार्रवाई के बाद दिल्ली से हवाई मार्ग से उसे अमेरिका के लिए रवाना कर दिया जाएगा। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क।